गाइस, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो, यूट्यूब पर आप शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करते हो, मान लो आपके पास एक फैक्ट चैनल है, आपके पास एक गेमिंग चैनल है, आपके पास एक टेक चैनल है, आपके पास एक मोटिवेशनल चैनल है, जो भी चैनल आपके पास है, तो उसके लिए आपको एडिटिंग करना पड़ता है। तो बहुत सारा भाई लोग बेसिक एडिटिंग नहीं कर पाता है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सिखाने वाला हूँ मोबाइल से आप कैसे एडिट करोगे और जो एडिटिंग है आप इजीली कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग, सबसे पहले मैं यहाँ पर काइनमास्टर ओपन कर चुका हूँ। काइनमास्टर ओपन करने के बाद सबसे पहले क्रिएट न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा एस्पेक्ट रेटियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्टिकल लेना है। यहाँ पर आप 9:16 ले सकते हो, 1:1 ले सकते हो, 4:3 ले सकते हो, 3:4 ले सकते हो, 4:5 ले सकते हो। आपको हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है, आपको हमेशा वर्टिकल लेना है, तभी आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर 1:1 ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। वीडियो को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो काम करना है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो स्टार्ट पोजीशन है वो एंड पोजीशन भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, पूरे एंड पोजीशन तक सेम ही रहेगा। उसके बाद आपको जो काम करना है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को पता है शॉर्ट्स के अंदर थंबनेल वगैरह अगर आप ऐड करते हो तो वहाँ पर यूट्यूब पर दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में गाइस आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ऑडियंस के अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो। तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा लेयर, लेयर से यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका वीडियो का टॉपिक है, जो भी आप सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हो, उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट फॉर एंड, ठीक है ना, वेट फॉर एंड, ठीक है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, आप ऊपर सेट करना चाहते हो ऊपर सेट कर सकते हो, आप नीचे सेट करना चाहते हो नीचे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जस्ट मैंने यहाँ पर वेट फॉर एंड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कट करता हूँ। कट करने के बाद देख सकते हो फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़नी इमोजी ऐड करना है। तो सबसे पहले क्लिक करता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पर से मैं एक फ़नी इमोजी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इमोजी यहाँ पर ऐड हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर लेना, तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जाना होगा बैकग्राउंड, उसको इनेबल करना। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर आप रखना चाहते हो उस कलर को आप इजीली यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल मतलब पूरा हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर कलर वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रैग करके इसको बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप भी यहाँ पर कर लेना, जो भी आपका वीडियो का साइज है आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपको चीज़ ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको टेक्स्ट ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद गाइस अगर आप वीडियो के अंदर लोगों को हंसाना चाहते हो, तो हंसाने के लिए सबसे पहले आपको मीम्स वगैरह ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मीम्स ऐड करने के लिए सबसे पहले जाना होगा लेयर, लेयर से मीडिया, मीडिया से आप जो भी मीम्स ऐड करना चाहते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो मीम्स यहाँ पर हो चुका है ऐड। अगर आपको मीम्स नहीं चाहिए, मीम्स का सिर्फ ऑडियो चाहिए, उसके लिए आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मीम्स का जो ऑडियो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर मीम्स को डिलीट कर देता हूँ और एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। Oh my God! Wow!
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मीम्स मैंने डिलीट करने के बाद भी यहाँ पर ऑडियो आ चुका है। तो इस तरीके से ऑडियो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वीडियो के अंदर। आपका वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप वीडियो के बीच बीच में इमोजी ऐड कर सकते हो, कोई भी फनी इमोजी, सैड वाला इमोजी, जो भी इमोजी ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लेयर से ऐड किया। तो इमोजी ऐड करने के बाद उसका एक साउंड इफेक्ट जरूर ऐड करना, तभी गाइस आपका वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जाना होगा ऑडियो, ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी ऑडियो आपके पास है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला साउंड इफेक्ट को मैं ऐड करता हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट को यहाँ पर से कट कर लेता हूँ। तो इधर से मैं कट करता हूँ और इधर से मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर ड्रैग करके कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो ये हो चुका है सेट, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको जो काम करना है आपको एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला एनिमेशन आप दे सकते हो, 0.5 सेकेंड से कम रखना है। उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन भी हो रहा है और साउंड इफेक्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप एक सब्सक्राइब एनिमेशन लगा सकते हो, बहुत सारा काम यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। अगर आप वीडियो के अंदर वॉइस ओवर करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ईजिली आप यहाँ पर वॉइस ओवर कर सकते हो। तो इजीली कुछ इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इजीली यहाँ पर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो बेसिक जो एडिटिंग है वो शेयर किया और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इजीली मोबाइल से ये सारा एडिटिंग कर पाओगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, अगर आपके शॉर्ट्स वीडियो पर व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है तो व्यूज़ कैसे लाए शॉर्ट्स वीडियो पर, शॉर्ट्स वीडियो कैसे वायरल करें, ये सारा चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।